उत्तर प्रदेश सरकार की राज्य मंत्री रजनी तिवारी उच्च शिक्षा मंत्री अपने एक दिवसीय दौरे पर रायबरेली जनपद के सरेनी विधानसभा क्षेत्र लालगंज कस्बे के एक निजी गेस्ट हाउस में भारतीय जनता पार्टी का बूथ कार्यकर्ता सम्मेलन कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें हर मंडल के बूथ अध्यक्ष को बुलाया गया था, जिसने से 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर बैठक की गई और उस चुनाव में रणनीति बनाई गई कि भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी के पक्ष में चुनाव कराया जाए और गांव-गांव जाकर लोगों को सरकार द्वारा चलाई जा रही महत्वाकांक्षी योजनाओं को लोगों तक पहुंचा सके, जहां 400 पार और 80 सीटों का लक्ष्य रखा गया है। इस दौरान पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि इस बार भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी मैदान में खड़ा है और उसकी जीत इस बार सुनिश्चित है। रायबरेली लोकसभा में सरेनी विधानसभा के अंतर्गत हमारा बूथ सम्मेलन का कार्यक्रम था। ये हमारी पार्टी की संरचना है कि हम लोग बूथ सम्मेलन करते हैं, उसके बाद अन्य कार्यक्रम हो रहे हैं, तो आज ये बूथ सम्मेलन में हमारा आना यहाँ पे हुआ। और यहाँ पे हमारे बड़ी संख्या में बूथ के कार्यकर्ता मौजूद थे। सब में एक उत्साह दिखाई दे रहा था, जोश दिखाई दे रहा था और संकल्प दिखाई दे रहा था मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का। तो हमें भी सबसे मिलने का अवसर मिला, अपनी बातें हमने कही, पार्टी की योजनाएं नीतियों के बारे में हमने उनसे बात की और उनसे उनके बारे में पूछा कि वो क्या चाहते हैं और कैसे काम कर रहे हैं। तो बहुत ही हर्ष की बात यह है कि वो लोग दिनेश प्रताप जी को जिता करके मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का उन्होंने संकल्प लिया है। संकल्प को सिद्धि तक हमारे कार्यकर्ता पहुँचाएंगे और इसी कार्यक्रम में आज हमारा यहाँ पे आना हुआ। प्रियंका जी भी रायबरेली में है, राहुल गांधी के लिए लगातार कैंपेन कर रहे हैं, आप इसे किस में? कोई इसमें बड़ी बात नहीं है, सभी पार्टियाँ अपना काम कर रही हैं, उन्हें भी करने दीजिए, वो भी काम कर रही होंगी। और लेकिन जनता ने सब देखा, जनता ने कांग्रेस का शासन भी देखा और जनता मोदी जी का 10 वर्ष से जो शासन चल रहा है जनता उसको देख रही है। हर व्यक्ति के लिए योजनाएँ बनाई गई हैं, हमारी आस्था का सम्मान रखा गया है, किस तरीके से विश्व में हमारे देश का गौरव बढ़ा है, इसको देख करके जनता ने जो सबको देख लिया, उनको सबक सिखा करके कि अब वो दोबारा से तो हमें लग नहीं रहा है कि रायबरेली में कभी आएंगे, उनको कहीं समझ में नहीं आया, पता नहीं क्या होगा, कहां पर से लड़े, कहां जाएं, तो वो लोग आए, तो कोई बात नहीं है, पार्टियां अपना काम करती हैं। प्रियंका जी भी अपना काम। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।